हाँ छात्रों, जो कक्षा 11वीं में हमारा जो रिवीजन चल रहा है, तो उस रिवीजन में कुछ ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनके आपको संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। तो हमारा जो प्रश्न है, ये तीन प्रश्न हम आपको बताएंगे कि जब हमारा संविधान बना और संविधान सभा का निर्माण हुआ, तो ये वाला सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताना है कि अनुमान सही है या नहीं। और आप यदि बोलते हैं नहीं है या है, तो उसके उत्तर का क्या बताना है आपको कारण। तो हमारी जो संविधान सभा बनी, उसमें भारतीय जनता की मौजूदगी, नुमाइंदगी मतलब उनकी मौजूदगी नहीं थी। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ, इसका निर्वाचन। तो हमें ये देखना है कि तो इस प्रकार तो हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान बना, वो तो एक संविधान सभा के, पहले संविधान सभा बनी, फिर उसने अपने संविधान का निर्माण किया। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सभी जनता तो पूरी शामिल हो नहीं सकती थी, लेकिन सभी वर्गों, सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के वहां मुख्य उनके व्यक्ति, उनके जो प्रतिनिधि थे, वो सब शामिल थे। वहां पर जो अपने राजा लोग थे, वहां से भी प्रतिनिधि शामिल थे। जिसमें अंग्रेजों का राज्य था, उसमें से भी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ये हम मानते हैं कि उस समय ऐसा चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन तो भी समस्त वर्गों के प्रतिनिधियों को वहां पर रखा गया। वहां पर ऐसा वयस्क, मतलब वयस्क लोग ही थे वहां पर। तो ये वाला जो वो है अनुमान, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अब देखिए उत्तर, संविधान सभा का चुनाव सभी नागरिकों द्वारा, मतलब पूरी जनता तो उसमें शामिल हो नहीं सकती थी, फिर भी उसमें सभी भारतीयों, सभा में भारतीयों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। समस्त वर्ग, क्षेत्रों, धर्मों के प्रतिनिधि थे। और यदि हम वयस्क मताधिकार के आधार पर भी संविधान सभा का निर्वाचन करते, तो भी प्राय यही लोग चुनकर आते जो संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे। तो इसका आपको शॉर्ट में उत्तर लिखना है। तो आप फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए कि जो हमारा संविधान बना, संविधान सभा के द्वारा बना, और उस संविधान सभा में पूरी जनता नहीं रह सकती है, तो लेकिन बहुत हर वर्ग के वहां पर प्रतिनिधि थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारी जो संविधान सभा है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से बनी हुई थी। यदि मान लो चुनकर भी आते, तो वही व्यक्ति आते। तो इस प्रकार इसका उत्तर आपको लिखना है। और भी प्रश्न है, आप देखेंगे, आपको ये बताना है कि ये अनुमान सही है कि गलत है। गलत है तो क्यों है, और सही है तो क्यों है। आप देखेंगे, प्रश्न पढ़िए, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। मतलब ऐसा बोला गया कि संविधान आसानी से बन गया, कोई बड़े फैसले नहीं लिए गए, जो पहले का था वही शामिल हो गया। ऐसा नहीं है, ये अनुमान सही नहीं है। संविधान सभा में हर जो भी प्रस्ताव आता था, जो भी सिद्धांत, प्रावधान, जो भी विचार आता था, उसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे। और हर तथ्य पर, हर विषय में वाद विवाद होता था, उसके मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसके पूरे अपन वाद विवाद, मतलब आपस में तर्क होता था, उसके पश्चात आम सहमति होती थी, और उसके बाद ही कोई फैसला लिया गया था। तो ये वाला भी पॉइंट सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि सभी लोग उस पे चर्चा करते थे, गहन विचार विमर्श किया जाता था, और उसके बाद ही फैसला लिया जाता था। तो जब आप संविधान सभा और संविधान वाला पाठ पढ़ेंगे, तो पढ़ते पढ़ते आपको, यदि अध्ययन करते हैं आप किताब में पूरा, तो आपसे प्रश्नों के उत्तर देते बनेंगे। अगला प्रश्न है,
ये बताइए जो लिखा है गा या अनुमान सही, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। ये सही नहीं है, संविधान में बहुत सी चीजें दूसरे देशों से ली गई हैं, लेकिन हमने उसमें कुछ संशोधन भी किया है अपने भारतीय परिस्थिति के अनुकूल, क्योंकि उस समय हमें जो आदर्श दूसरे देशों में थे हमने उनके अच्छे आदर्शों को लिया। और ऐसा नहीं है, हमारे भारतीय शासन अधिनियम 1935 में एक भारतीय शासन अधिनियम बना था अनुच्छेद, उससे भी हमने बहुत सारी चीजें ली थी और उसका कुछ हिस्सा पहले भी लागू कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हमने पूरा ही सब कुछ दूसरी जगह से लिया, ऐसा नहीं, कुछ लिया भी है तो उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उसमें सुधार करके ही अपनाया गया है। और किसी की अच्छी चीजों को ग्रहण करना इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमारा जो 1935 का संविधान था वो पहले से बन गया था, तो उससे हमने, उसमें भी हमारे नेतृत्वकर्ताओं और प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया था, और इतने दिन देश आजाद नहीं हुआ था इस समय से, तो हमें अनुभव हो गया था। और इस प्रकार तो ये वाला अनुमान भी सही नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है जो एकदम, क्योंकि इसमें हमने संशोधन करके बहुत ही विचार विमर्श करके इस प्रकार हमने क्या किया, अपने संविधान सभा में के द्वारा ही संविधान के प्रस्तावों को पारित किया गया। धन्यवाद।